हेलो फ्रेंड्स और नमस्कार नाना जी, नानी जी, दादा जी, दादी जी, चाचा जी और चाची, अंकल जी और हाँ जरूर आंटी। घर बना बैठे जब खाना बनाते हैं आप, खाना बनाते बनाते समय कभी न कभी एक न एक बार तो आपको ट्रे घुमाने का तो दिल किया ही होगा। तो हाँ, आज मैं आप सबको घर बैठे बैठे ट्रे कैसे घुमा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको टिप्स बता दे वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको एक गिलास गरम गरम दूध पीना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी आएगा घुमाने के लिए। जी हाँ, अब मैं मेन पॉइंट में आता हूँ। सबसे पहले आपको ये ट्रे का, इसको पीछे का जो साइड होता है उसमें आपको ये वाला उंगली इसका बीच में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये वाला उंगली आप इधर रखते तो घुमा के डिसबैलेंस होके टूट जाएगा। अगर टूट गया तो फिर अंकल से पड़ेगी ना मार। तो इसलिए आपको ये अपना बीच वाला उंगली, ये वाला उंगली बीच में रखना पड़ता है। बीच में रखने के बाद इसको ऐसे करके थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है, तो ऐसे करके ये घूमने लग जाएगा। ऐसे देखिए, अगर बाई चांस डिसबैलेंस होता है उसको तुरंत ऐसे करके पकड़ लीजिए, क्योंकि ये गिर जाएगा और ये टूट जाएगा। इसलिए आप इसको, आपने ये वाला उंगली इधर रखिए ऐसे ही, और ये देखिए इसको घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, इसको घुमाते घुमाते, इसको ज़्यादा भी नहीं। जैसे आप जैसे घर में खाना बना रहे हो, कुछ भी चीज़ बना रहे हो, या फिर कोई आता है इसको देने के लिए जाते हो ट्रे में पेप्सी फेंटा कुछ भी, तभी आप 5-5 मिनट करके घुमाते हो, क्योंकि ज़्यादातर 20 से 25 दिन तक आप सीख सकते हो। तो जी हाँ, घुमाते रहिए देखते रहिए, और मार मत खाना अगर टूट गया तो। 10 बार आए ट्रे मत तोड़ना। ऑल द बेस्ट।